नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज संपूर्ण भारत लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन की वजह से मैं भी मंडी नहीं गया हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है कि 21 दिन तक भारत की जनता जो है अपने घरों से बाहर ना निकले, तो उसी आदेश का पालन करते हुए मैं भी आज मंडी नहीं गया हूँ और फोन से आपके लिए कुछ सूचनाएं इकट्ठी की हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी आज जो है 25 से 30 मोटर रही है और भाव रहा है 1450 रुपये से लेके 1700 रुपये क्विंटल तक का। तो 1450 में पुखराज आलू और निवल क्वालिटी के आलू जो है वो 1450 रुपये में बिके हैं और जो एवरेज ख्याति आलू हैं वो 1500-1550 रुपये के आसपास बिके हैं और जो मैं बोलता हूँ सुपर आलू, सुपर ख्याति और पीली मिट्टी के आलू जो बोलता हूँ वो 1500 से 1581 रुपये क्विंटल तक के बिके हैं और 3797 जो है 3797 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये के बीच में बिके हैं, 1700 रुपये क्विंटल। और हाईलैंड की आज ज़्यादा आमदनी नहीं रही है तो हाईलैंड भी आज 1700 रुपये के आसपास ही बिका है। और एक सूचना और मिली है कि वहाँ पे मंडी में डेली आने जाने वालों के लिए कुछ मंडी समिति द्वारा पास की व्यवस्था की गई है, तो जो लोग जिनके पास पास होंगे वो अपना पास लेकर ही मंडी में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगरा की। तो आगरा मंडी में आज आने जाने पे कुछ रोक रही है, तो वहाँ पे वर्करों को आज मंडी में नहीं जाने दिया गया है, तो इसलिए मंडी की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। और कुछ ऐसी सूचना मिली है, खेतों से कुछ आलू बिका है जो 700 से 750 रुपये पैकेट का बिका है। डालाबंद का मतलब मैंने आपको बताया है, जिसमें भराई, सिलाई, बारदाना काश्तकार का होता है और गाड़ी पे लोड करके देना पड़ता है। अब बात करेंगे हम कानपुर की। तो कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज आमदनी कुछ 15 मोटर बताई गई है और भाव रहा है वहाँ पे आज 700 से 750 रुपये मन का रहा है और इक्का दुक्का आलू जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो 750 से थोड़े ऊपर भी बिके हैं। और वहाँ पे कानपुर में आलू मन से बिकता है और मन जो है 40 किलो का होता है। जो ये जो रेट मैंने कानपुर के बताए हैं वो 40 किलो के रेट हैं। और फर्रुखाबाद कानपुर में टाइमिंग कुछ रखा गया है, 7 से 11 बजे तक का मंडी का टाइमिंग है। अब बात करते हैं बनारस की। तो बनारस में आज आलू 1600 से 1800 रुपये सफ़ेद आलू बिका है और लाल आलू जो है वो 1800 से 1900 रुपया क्विंटल बिका है। बनारस में आलू क्विंटल से बिकता है तो ये भाव जो है वो क्विंटल के हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सभी मंडियों के भाव हो गए। अब हम बात करेंगे दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी जो है वो पूर्णतया दिल्ली की सभी मंडियाँ क्लोज ही रही हैं। वहाँ पर कोई ना माल गया है और ना वहाँ से किसी माल की बिक्री हुई है। कुछ इक्का दुक्का छुटपुट बिक्री हुई है, जो पास लेके गए थे उनको कुछ आलू दिया गया है, लेकिन उस आलू का कोई भाव नहीं है, वो कोई भाव बताने जैसा नहीं है और ना उस भाव को बताया जा सकता है। अब हम बात करें पंजाब की। तो पंजाब में संपूर्णता कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू में किसी माल की बिक्री और खरीद का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब बात करेंगे इंदौर मंडी की, एमपी की इंदौर मंडी की। तो इंदौर मंडी जो है 25 मार्च तक पहले से ही बंद थी और वहाँ पे कुछ ऐसी सूचना मिली है कि 31 तारीख तक शायद इंदौर मंडी बंद रहेगी। और अब बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में किसी मंडी का आज भाव नहीं मिल पाया और ना ही वहाँ की कोई रिपोर्ट मिली है। आज झारखंड से एक मंडी की रिपोर्ट मिली है और नवादा मंडी की ये रिपोर्ट है और वहाँ पे आलू जो है 1800 से 1900 रुपये क्विंटल बिका है। अब बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में कोल्ड लोडिंग जो है पूर्णतया बंद है, कोल्ड लोडिंग के लिए आलू नहीं जा रहा है और ना ही कोल्ड में लेबरों को अलाउ किया गया है। और जो खाने का राशन आलू है वो वहाँ पे 720 रुपये से लेके 760 रुपये कट्टे का बिका है और ये जो रेट मैंने बताए हैं ये हुगली डिस्ट्रिक्ट की सिंगूर मंडी के रेट हैं। तो करीब करीब जिन भी मंडियों की रिपोर्ट मुझे मिल गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और एक बार आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक भारत जो है 21 दिनों तक लॉकडाउन है तब तक मैं भी अपने घर पर रहता हूँ और आप लोग भी अपने घर पर रहें
और मुझे जो भी रिपोर्ट मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।